सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। कहते हैं ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं। मंजिल था क्रिकेटर बनना और रास्ता था बल्लेबाजी। लेकिन जब इस खिलाड़ी ने देखा कि शिवाजी पार्क जिमखाना एकेडमी में बल्लेबाजों की लंबी लाइन लगी है तो इसने अपनी मंजिल पाने के लिए अपना रास्ता बदल लिया और वो गेंदबाज बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2020 में अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान आकर्षित करने वाले तुषार देशपांडे की। तुषार का जन्म 15 मई 1995 को मुंबई के कल्याण में हुआ था। वो दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखने वाले तुषार एक अच्छा बल्लेबाज बनना चाहते थे। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। उस वक्त तुषार ने महज 13 साल की उम्र में बॉल बॉय का काम किया था और लगभग 12 साल बाद इसी आईपीएल में तुषार ने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। हालांकि बॉल बॉय से आईपीएल तक का सफर इतना आसान नहीं था। तुषार पर क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था और यही जुनून उनको कल्याण से शिवाजी पार्क जिमखाना एकेडमी लेकर आई। एकेडमी आने के लिए उन्होंने लोकल ट्रेन से लंबा सफर तय किया था और थके हारे तुषार ने जब बल्लेबाजों की लंबी कतार देखी तो वो गेंदबाजों की छोटी लाइन में चले गए और यहीं से उनका गेंदबाज बनने का सफर शुरू हुआ। तुषार को क्रिकेटर बनाने में इनके पिता उदय देशपांडे और उनकी मां वंदना देशपांडे की भी अहम भूमिका थी। मां ने कहा था कि बेटा एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलेगा, लेकिन कैंसर से जूझ रही मां की मौत ने तुषार को झकझोर दिया, क्योंकि मौत के अगले ही दिन तुषार को सैयद मुश्ताक T20 सुपर लीग के लिए इंदौर जाना था। साथी खिलाड़ियों को लगा कि अब वो नहीं आएगा, लेकिन तुषार अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाए इंदौर गए और 4 विकेट झटक कर मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तुषार देशपांडे मुंबई की तरफ से अंडर 16 और अंडर 19 खेल चुके हैं, साथ ही इंडिया ए और इंडिया ब्लू की तरफ से भी खेला है। देशपांडे कूच बिहार ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन करके चर्चा में आए थे और उन्हें उसी सीजन 2016-17 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला था। 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 23 रन देकर 5 विकेट लिए थे। तुषार ने 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिनमें उनके 50 विकेट शामिल हैं, जबकि 20 T20 मैचों में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। और वहीं आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में ही 4 ओवर्स में 37 रन देकर राजस्थान रॉयल्स के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। राजस्थान को आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन तुषार ने सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट भी लिया और दिल्ली को जीत दिलाई। आईपीएल की नीलामी में तुषार को दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। आपको बता दें कि तुषार के आईपीएल डेब्यू मैच को देखने उनकी दादी स्टेडियम में पहुंची थी और दादी की आंखों के सामने तुषार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर के माध्यम से हर किसी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।